ग्रेटर नोएडा आज उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ संपन्न हो गया। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ कार्तिक शुक्ल पष्टी को मनाया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ शुरू हुई थी। 29 अक्टूबर को छठ पर्व का दूसरा दिन खरना मनाया गया। 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखा गया। छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। कहते हैं जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए व्रत वरदान साबित होता है। यह पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के पार्क में आज छठ पूजा का अंतिम दिन है। आज के दिन उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती छठ का पारण करती हैं। अर्घ में सूर्य देवता को जल दूध अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि सूर्य को अर्घ देने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य देवता को अर्घ देने का असर बुद्धि पर पड़ता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। और आगे क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे अगर अगले साल रखेंगे तो अगले साल भी उठाएंगे छठी माँ को। परिवार भरा पूरा रहे, सदा अपना रहे, घर में खुशहाली रहे, जरूर छठ आगे को उठाएंगे। हम लोग मानते हैं कि चलो आगे छठ पूजा ऐसा महात्मा होता है कि हम लोग का पूरा मनोकाम। इस बार बड़ी धूमधाम से छठ का पर्व मनाया गया। दो साल के बाद इस साल बहुत आदमी खुशी से सब सीखे, सबके जगह सबको अच्छी से खुशी से छठ पूजा मनाया गया। और आगे भगवान का ये छठी मैया गए कि आगे भी इसी रहे तो आगे इससे ज़्यादा धूमधाम होगा। बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।